नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। कल शाम को हम 6 बजे दौकी पहुंचे। ये जगह 80 किलोमीटर दूर है शिलोंग से। अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हैं शिलोंग से तो लगभग 2.5 से 3 घंटे में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। कल रात में हम ये गेस्ट हाउस सामने आप देख रहे हैं लेमिन गेस्ट हाउस, यहाँ पर रुके। इनफैक्ट इस समय मैं रूम के बाहर ही खड़ा हूँ और यहाँ से नीचे रोड देख रहा हूँ। चहल पहल इस समय काफ़ी कम है, सुबह 7:45 बजे का टाइम है। सामने मेरे को एक ढाबा दिखाई दे रहा है, वहाँ चलकर अभी कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। आपको मैं रूम टैरिफ के बारे में बता देता हूँ। कल हमने यहाँ पे जो रूम लिया है ये 3,000 रुपये इसका टैरिफ था, इन्होंने हमको 2,500 रुपीज़ में दिया। यहाँ पर रूम्स वैसे 1,500 रुपये में भी अवेलेबल है, लेकिन ये इनका टॉप एंड रूम था। अब नाश्ता करते हैं, उसके बाद घूमने चलते हैं। पूड़ी के साथ मटर आलू की सब्जी और सूजी हलवा यहाँ का फेमस कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल सिंपल टेस्ट है और डिसेंट कॉम्बिनेशन। नाश्ता फिनिश करके एक कप चाय पीते हैं, फिर बोटिंग करने चलते हैं। यहाँ पर ब्लैक टी को रेड टी बोलते हैं, तो ये आप देख लीजिए कि अभी हम रेड टी पी रहे हैं। चाय फिनिश करते हैं, और मिल्क वाली चाय कम पसंद करते हैं लोकल्स, इस तरह की रेड टी ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, कल रात में हवा बड़ी ठंडी चल रही थी, तो आप यहाँ पर आएंगे ना तो अपने रूम की खिड़की खोल देना, आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, रात भर इंजॉय करेंगे। चलो ओके जी, बाय बाय, नाइस मीटिंग यू, खूब लाई। बोटिंग स्टार्टिंग पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। वेल नाम है आपका? वेल है। तो वेल के साथ हम बोटिंग करेंगे। 45 मिनट्स का 700 रुपीज़ का चार्ज है। बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। सामने आप वो पत्थर देख रहे हो, सामने मतलब मेरे पीछे वो पत्थर, और इस तरफ को आपको 3-4 पत्थर दिख रहे हैं, ये बॉर्डर है। शाम के समय हमने कल रात को भी देखा था, 6-8 बजे के आसपास काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे इस जगह। वो सारे लोग बांग्लादेश के टूरिस्ट थे, वो इधर आके बोटिंग नहीं कर सकते और ना ही यहाँ के लोग वहाँ जाके बोटिंग कर सकते हैं। तो समझ लीजिए ये बॉर्डर लाइन है, लाइन नहीं है मतलब ये बॉर्डर एरिया है। तो ये लैंड साइड हो गया और वो पानी का साइड हो गया। वाओ, पानी तो बहुत साफ है, कम से कम 2-2.5 फीट तक मैं नीचे पत्थर देख रहा हूँ। सुपर, इसको उमनॉट रिवर बोलते हैं। इतने लोगों ने तारीफ करी थी, वहाँ जाओगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर पानी देखने को मिलेगा, और अभी शुरुआत है, आगे चलकर देखेंगे तो हमें पानी और ज़्यादा साफ दिखेगा। वाओ, कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, देखो कितने सारे पत्थर पानी के नीचे। वेल कितनी डेप्थ होगी इसकी? 4 फीट। जबरदस्त जबरदस्त, मैंने इतना क्लियर पानी कभी नहीं देखा, स्पेशली रिवर में। देखो आप, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जहां से हमने बोटिंग स्टार्ट करी थी वहां से लगभग हम
आधा किलोमीटर से ज़्यादा आगे आ चुके हैं और पानी क्लियर पे क्लियर हुए जा रहा है, क्लियर पे क्लियर हुए जा रहा है। वाओ, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। थोड़ा आगे जाकर लैंड साइड पे हमने 10 मिनट के लिए बोट को रोका है। इस समय बरसात का टाइम है, अगर यहाँ पर विंटर्स में आएंगे नवंबर दिसंबर या जनवरी में तो मुझे बोटमैन ने बताया कि पानी और ज़्यादा साफ़ होता है, और ज़्यादा मतलब आपको तब दिखाई देगा पानी कितना साफ है। वहाँ पर आप पानी का करंट देखिए कितना तेज है, वहाँ से ये रिवर आ रही है, तो बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ, तो इसलिए वो दिखाई दे रहा है, फिर धीरे धीरे शांत हो जाती है नदी। पानी में पांव रखकर मज़ा आ रहा है, पत्थर स्लिपरी है तो ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, आप साइड में हल्का हल्का एंजॉय कर सकते हो जैसे अभी हम कर रहे हैं। चलिए आप वापस चलते हैं। पानी पर जगह जगह जो बॉटल्स दिखाई दे रही है ना, ये लोकल्स ने फिशिंग के लिए लगा रखी है। स्टार्टिंग पॉइंट से चले हुए हमें ऑलरेडी 1.5 आवर हो चुका है, एक्स्ट्रा टाइम चल रहा है हमारा। मूवमेंट देखिए कितनी एक्सक्लूसिव है, ये देखिए ऊपर से हल्का हल्का पानी गिर रहा है, ब्रिज कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही एक्सक्लूसिव मूवमेंट है। यहाँ पर तो आप आके ही ये नज़ारा इंजॉय कर सकते हो, मज़ा आ गया। लो जी, हम पहुंच गए इंडिया बांग्लादेश दाउकी रिवर साइड बॉर्डर। सामने मैंने आपको बताया था उस साइड पत्थर के बांग्लादेश और इस तरफ इंडिया। यहाँ पर जो हमने बोट का चार्ज दे रहे हैं 700 रुपीज़ फॉर 45 मिनट्स, इसमें चार लोग एक साथ जा सकते हैं। लैंड बॉर्डर जाने के बाद हमको शिलोंग पडिंग जाना है। मैंने ठीक प्रोनाउंस किया? शिलोंग पडिंग जो कि यहाँ से 11 किलोमीटर्स दूर है। मैं इस रिवर का नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा था, तो आप बताओ उमगॉट को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? उमनॉट। ओके ग्रेट, चलिए चलते हैं। थैंक यू, खुबलाई। बाय बाय। जहाँ पर हमने बोटिंग करी थी वहाँ से हम 2 किलोमीटर सीधे गए इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर देखने। इस जगह का नाम है तामाबिल बॉर्डर। यहाँ पर आप इतने सारे जो ट्रक देख रहे हो ना जो जा रहे हैं, इन सब ट्रक में लाइमस्टोन जा रहा है। तो मैंने किसी से पता लगाया दिन भर में कम से कम 600 से 700 ट्रक जाते हैं। ये तो एक बॉर्डर है, ऐसे आप देखिए और बॉर्डर से भी लाइमस्टोन कितना जाता होगा बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करने के लिए पत्थर की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे यहाँ पर BSF होता है, ऐसे वहाँ पर BGB बोलते हैं, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। तो अगर आप बॉर्डर देखने आना चाहते हैं तो आप दाउकी आके शॉर्ट डिस्टेंस कवर करके थोड़ा टाइम स्पेंड करके वापस जा सकते हैं टू गेट अ फील ऑफ हाउ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर लुक्स लाइक। अब हम यहां से निकल रहे हैं, हमारा अगला डेस्टिनेशन है शिलोंग पडिंग जो यहां से 11 किलोमीटर दूर है। शिलोंग पडिंग पहुंचने में हमें 10 मिनट और लगेंगे। रास्ते में हमने ये बीटल नट रेस्टोरेंट देखा, अंदर सिटिंग एरिया था लेकिन बाहर आकर हम बैठ चुके हैं। सामने आप देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है, कम से कम 25-30 तो बीटल नट के ट्रीज़ इधर ही दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ठीक हमारे सामने, सच अ नाइस व्यू। तो बाहर बैठकर हमने अपने लिए ऑर्डर दे दिया और हमारे लिए चाइनीज़ चाउमीन भी आ चुका है। अब खाना शुरू किया जाए। इन्होंने काफ़ी सारी ग्रेवी ऊपर बनाकर डाली है जिसके अंदर लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स चिकन के साथ साथ। अच्छा, इन्होंने ग्रेवी बेस्ड प्रिपरेशन तैयार करी है तो साथ में कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। चिकन सॉफ्ट है और टेंडर है। आज लंच करने के लिए हमको अच्छी जगह मिल गई, तो अभी फिनिश करते हैं और आगे जाते हैं।
थैंक्स। अभी तक हम खासी हिल्स में ट्रैवल कर रहे थे, अभी हम वेस्ट जयंतिया हिल्स में हैं। इस जगह का नाम है श्लोंग पिडिंग। अब यहाँ पर ट्रैवलर्स क्या क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली एक्टिविटी ट्रैवलर्स करते हैं, सामने जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ का बोर्ड लगा हुआ है, क्लिफ जंपिंग, स्कूबा, स्नॉर्कलिंग, कयकिंग, कैंपिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। मैंने नीचे लिखे हुए नंबर्स पर अभी कॉल किया तो उन्होंने बताया कि अभी रेनी सीज़न चल रहा है तो इसकी वजह से कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, केवल जिप लाइन हो रही है। और आज के दिन वीकली ऑफ है तो आज तो जिप लाइन भी नहीं हो रही, लेकिन बाकी एक्टिविटीज़ अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। फिर दिसंबर जनवरी में पीक टाइम होता है, ट्रैवलर्स काफ़ी आते हैं यहाँ पर स्कूबा करने और बाकी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने। इसके अलावा अगर आप यहाँ के रहना चाहते हो, रिवर साइड कैंपिंग करना चाहते हो, तो सामने कैंप्स बने हुए हैं, वहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं। सामने आप ब्रिज देख रहे हैं एक, उस ब्रिज के ऊपर वॉक कर सकते हैं, हम वहाँ तक जाएंगे वॉक करेंगे। पानी का करंट काफ़ी ज़्यादा तेज है, मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है। एक बार नीचे चल के बोटिंग करेंगे तो नहीं, लेकिन फाइंड आउट करते हैं बोटिंग का चार्ज क्या है, क्योंकि बोटिंग तो आज हमने मॉर्निंग में ही करी है। अदरवाइज़ ये प्लेस काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, काफ़ी ट्रैवलर्स आते हैं, ओवरनाइट स्टे करते हैं और अगले दिन आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। रिवर साइड पर कैंप्स लगे हुए हैं, ऊपर से दिखाई भी दे रहे थे। मैंने अभी यहाँ के पता लगाया है, 1000 rupees एक कैंप का चार्ज है, जिसमें दो या तीन लोग रह सकते हैं, दो कंफर्टेबली और एक तीन लोग के लिए थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, और टॉयलेट बाथरूम सामने शेयर्ड है। ऊपर से हम नीचे उतर आए, रिवर के पास आ चुके हैं। जगह तो बड़ी खूबसूरत है, आप देखिए छोटी बड़ी काफ़ी सारी रॉक्स हैं इस तरफ और यहाँ पर रिवर। मैंने आपको दौकी में बताया था इस रिवर का नाम है उमगॉट रिवर, हो सकता है मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा टिपिकल इसकी प्रोनंसिएशन है। और बच्चे यहाँ पर सामने खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं पानी के अंदर, और बोटिंग चल रही है। भैया बोटिंग का क्या चार्ज है? 500 फॉर नो टाइम 50 minutes 500 rupees। ग्रेट, तो आप बोटिंग कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने मॉर्निंग में बोटिंग करी है तो अभी दोबारा नहीं करना चाहते। कैंपिंग मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पर एक मेन अट्रैक्शन है कि रिवर साइड लोग कैंपिंग करते हैं, इंजॉय करते हैं और अगले दिन एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करते हैं। थोड़ा सा पानी के पास चलते हैं, आधा घंटा रुकते हैं और ऊपर ब्रिज में भी एक राउंड करेंगे, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी हम वापस जा रहे हैं, सामने उस ब्रिज के ऊपर जाएंगे। मेघालय में इस तरह के फुट ब्रिजेस आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। इस समय जो हम मूवमेंट इन्जॉय कर रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी अल्टीमेट मूवमेंट है। मैं 10 मिनट यहाँ देखा, बोट्स जो खड़ी हुई हैं वो लग रहा है कोई डिज़ाइन है, और दोनों तरफ पहाड़, बीच में पत्थर, रॉक्स, सिमिलर व्यू इस तरफ भी देखने को मिल रहा है। पानी का करंट देखिए आप उस तरफ, यहाँ से जो रिवर है इधर फ्लो करती हुई दौकी की ओर जाती है। बहुत एक्सक्लूसिव मूवमेंट है, आप जब इस तरफ आएंगे तो कुछ टाइम इस फुट ब्रिज पर खड़े होके आप ये मूवमेंट को ज़रूर एंजॉय करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, दोपहर के 3:15 बजे का टाइम हो चुका है,
अब हमारा अगला डेस्टिनेशन है क्रांगशुरी वाटरफॉल। यहाँ से 30 किलोमीटर पहुँचने में लगभग 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट हमको लगना चाहिए। लग रहा है ऐसा कि बारिश होगी, वैसे हल्की हल्की बूंदाबांदी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया अभी हम जयंतिया हिल्स एरिया में हैं, हम क्रांगशुरी वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। गाड़ी खड़ी करते ही मैंने देखा यहाँ 2-3 ढाबे हैं सामने, मैगी मिलती है, चाय मिलती है और आप चिप्स ले सकते हो अगर आप बच्चे हैं साथ में चिप्स खाना चाहते हैं। यहाँ पर जो रहने की सुविधा भी डेवलप हो रही है क्योंकि ये नई खोज कह सकते हैं एक तरह से, अब टूरिस्ट आके डिमांड करते हैं कि यहाँ रहना चाहते हैं। तो मैंने पता लगाया सामने ना एक होम स्टे है, चल के वो फैसिलिटी देख लेते हैं और फिर हम वाटरफॉल की ओर चलेंगे जो सामने से रास्ता है। मैंने पता लगाया ये फैसिलिटी अभी डेवलप हो रही है होम स्टे की। ये सामने देख रहे हैं आप जो रूम, अगर 3 बेड वाला आप लेंगे रूम तो उसके 2000 रुपीज़ चार्ज है, 2 बेड वाला लेंगे तो उसका चार्ज है 1600 रुपीज़। बेसिक लेवल में फैसिलिटीज़ है, टॉयलेट और बाथरूम शेयर्ड है सामने। अभी चलकर क्विकली एक चाय पीते हैं और वाटरफॉल की ओर आगे बढ़ते हैं क्योंकि 4:15 का समय हो चुका है, हम लोग लेट नहीं होना चाहते। बड़ा ज़बरदस्त वाटरफॉल है, रास्ते में आते समय मैंने देखा। पार्किंग से हम 20 मिनट पैदल चलकर यहाँ तक आ चुके हैं। ये एंट्री पॉइंट है, 50 रुपये पर पर्सन टिकट ले ली है। स्विमिंग करनी है अगर आपको वाटरफॉल के नीचे जो एरिया बना हुआ है तो उसके लिए लाइफ जैकेट कंपलसरी है। तो नीचे चल के हम लाइफ जैकेट लेते हैं और थोड़ा पानी में चल के इन्जॉय करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त वाटरफॉल है, पानी में नहाकर तो मज़ा आ गया। आप यहाँ पर जब आएंगे ना तो दोपहर के समय आइए, 1 बजे या 2 बजे तक। हम यहाँ 4:40 को पहुँचे हैं तो मैंने आपको बताया सनसेट यहाँ जल्दी होता है तो अंधेरा होने वाला है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला। और हमें किसी ने बोला आप डीप अंदर मत जाइए क्योंकि अंदर से थोड़ा गहरा है, तो इसलिए हमने अवॉइड किया, कोने में ही रहे। पहले तो वाटरफॉल हमने बाहर से देखा, उसके बाद हम नीचे की तरफ आए और वो पहाड़ के नीचे खड़े होकर वाटरफॉल देखा। इस समय हम ऊपर की तरफ आ गए तो देख रहे हैं हम पानी जा कहाँ से रहा है, तो यानी एक ही वाटरफॉल को हम 3 डिफरेंट जगह से देख रहे हैं। ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी एट दिस प्लेस। अब कपड़े चेंज करते हैं और उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं जोवई जाने का, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर्स दूर है, बड़ा टाउन है, वहाँ जाके नाइट स्टे करेंगे। जिस जगह भी हम खड़े हैं यहाँ से ऊपर जाने में हमारे को 20 से 25 मिनट लगेंगे और उसके बाद ऑन वे टू जोवई। क्रांगशुरी वाटरफॉल से 1.25 घंटे का सफ़र करके हम वेस्ट जयंतिया हिल्स पहुंच चुके हैं। जोवई से 2 किलोमीटर आगे हमने CTC ऑर्किड में अपने लिए एकोमोडेशन ली है। डबल ऑक्यूपेंसी में हमको 2600 रुपीज़ रूम टैरिफ पड़ा है। काफ़ी बड़ा साइज़ का रूम है, मैंने पता लगा इनके पास ज़्यादा रूम नहीं है, केवल 10 ही रूम्स हैं, तो ऑनलाइन ये बुकिंग नहीं लेते, सिर्फ इन्हीं की वेबसाइट के थ्रू बुकिंग होती है। हम ऑफलाइन आए और हमें यहाँ पर एकोमोडेशन मिल गई। आज की जर्नी के बारे में आपको कुछ बताता हूँ।
आप जब भी ये रूट पे सफ़र करेंगे तो दिन में करिएगा। हमने गलती करी कि अंधेरे में आकर हमने रास्ते में वाटरफॉल मिस कर दिया। एक और वाटरफॉल इस रास्ते में आता है। दूसरी बात, रास्ते में बहुत अच्छे सीनिक व्यूज़ हैं, वो भी हमने मिस कर दिए। अब 8:30 बज चुके हैं, कुछ खाना खाते हैं, उसके बाद आज की दिन की जर्नी एंड करते हैं। डिनर में हमने दो चीज़ मंगवाई है, दाल मखनी और नवरत्न कोरमा, साथ में तवा चपाती। आम तौर पर जो दाल मखनी का टेस्ट नॉर्थ इंडिया में हम इंजॉय करते हैं वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी इंजॉयबल है। दाल के अंदर मखाने, सही वैल्यू एडिशन है, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। नवरत्न कोरमा में आलू, बीन्स, मटर और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स, टेस्ट वाइज जस्ट ओके है, लेकिन दाल मुझे ज़्यादा पसंद आई। ओवरऑल डिसेंट फूड। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जिसमें आप देखेंगे हम लोकल जोवाई घूमे, साइट सीइंग करी और हमने नाइट स्टे शिलोंग में किया। जल्दी आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।